हेलो दोस्तों एस एस सी का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं बहुत क्विकली uh, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन पूछा गया द टर्म बैक स्टिक इज़ यूज इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग गेम्स नीचे गेम्स की लिस्ट थी जिसमें से सेलेक्ट करना था सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ ठीक है खालसा पंथ के कम फॉर्मेशन के लिए कौन सा फेस्टिवल है उसमें नीचे नाम थे फेस्टिवल्स के वॉट थीम वॉज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया ठीक है ये क्वेश्चन एक पूछा गया था इंटरनेशनल योगा डे की थीम का केमिकल फार्मूला ऑफ़ क्विक क्लाइम क्विक क्लाइम का केमिकल फार्मूला पूछा गया था देन वॉट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन वर्क डन की यूनिट क्या थी ये पूछी गई थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन पूछा गया था आपका विच ऑफ़ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट तो उसमें साइट्स के नाम दे रखे थे और आपको सेलेक्ट करना था किस में नहीं था द रामष्णा मिशन स्ट्रेस्ड द आइडिया ऑफ यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स है जो कि ऑप्शंस में से भरना था थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन तो कौन से आइडियल पर रामाकृष्ण मिशन ने फोकस किया था ये क्वेश्चन था देन नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन ठीक है तो इसमें डेट पूछी गई थी जो सबको ही मालूम है कि दो अक्टूबर की होती है उसके बाद में विच ऑफ़ द फॉलोइंग डाइनेसटीज़ एस्टब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर उसमें ऑप्शन दे रखे थे और ऑप्शन में से सेलेक्ट करना था वैन वाज वायुदूत एयरलाइंस सेटअप इन इंडिया वायुदूत एयरलाइन कंपनी थी ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शन थे जिसमें से सेलेक्ट करने थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एलेवेंथ क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड वाटर आइस इज कॉल्ड ठीक है ये एक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का जो है नाम पूछा गया था नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2022 ओके तो सीबीडीटी के नए चेयरमैन किसको बनाया गया ये क्वेश्चन पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरूद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सरूद सम्राट किसे कहा गया ये चार ऑप्शन थे उसमें से सेलेक्ट करना था देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मैथड्स ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन ठीक है इनमें से कौन सा एक जो है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का मेथड नहीं था ओके okay? तो इसमें से भी चार क्वेश्चन चार ऑप्शंस थे और सेलेक्ट करना था पंद्रवा क्वेश्चन था आपका टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू पार्लियामेंट किसको रेफर करता है तो इसमें अपना अगेन हमारे पास ऑप्शन थे जिसमें सेलेक्ट करना था सिक्सटीन क्वेश्चन था द चीफ मिनिस्टर ऑफ विज स्टेट हैज़ इनागरेटेड अ प्रोजेक्ट ऑफ द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग्स टू चिल्ड्रन एट ऑल आंगनबाड़ीज़ इन द स्टेट इन ए विद टू इम्प्रूव दर न्यूट्रीशन लेवल ठीक है तो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा किया है कि भाई दूध और अंडा ये भी आंगनबाड़ी सेंटर्स में दिया जाएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन के अब में हमें चार ऑप्शन थे उसमें से हमें सेलेक्ट करना था सेवेंटीन क्वेश्चन था अ कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी हैज़ बीन अनाउंसड बाई द गवर्नमेंट ऑफ कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने इसको जो ऊँट है कैमल है कैमल के प्रोटेक्शन की पॉलिसी वो अनाउंस किया है देन अठारहवा क्वेश्चन था हु द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ठीक है यहाँ पे ऑप्शंस थे जिनमें से आपको सेलेक्ट करना था नेक्स्ट नाइन्टीन क्वेश्चन था ये देखो साइंस का क्वेश्चन था बायोलॉजी से रिलेटेड नाइन्थ की जो बायोलॉजी होती है उसमें इन गोल्गी अपारेटर्स द मैच्योरिंग फेस इज ठीक है तो ये क्वेश्चन था जिसके हमारे पास चार ऑप्शन थे देन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नंबर राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड और रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्म सभा विच वज डेटर नोन एज ठीक है तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन थे ब्रह्म सभा को बाद में क्या क्या गया वो चार ऑप्शंस थे जिसमें से हमें सेलेक्ट करना था नेक्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन था इक्कीसवां क्वेश्चन पार्ट ऑफ़ जाइलम टिश्यू ठीक है ये देखो बायोलॉजी का है जाइलम जो है प्लांट्स में होते हैं तो पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स स्टोर्स फूड कौन सा पार्ट स्टोर करता है फूड को वो हमें आंसर देना था नेक्स्ट बाईसवां क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग कंपोजर्स वन द ग्रामी इन टू थाउजेंड फिफ्टीन फॉर हिज एल्बम विंस ऑफ समा कोलाउथ अफ्रीकन फ्लॉट वाउट कैलरमैन तो इसमें ग्रामी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि भाई ये एल्बम है ये एल्बम थी विंस ऑफ समसारा कोलेबरेशन विद साउथ अफ्रीकन फ्लॉटिस्ट वाउट तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये एल्बम किसकी थी क्योंकि इस एल्बम को ही प्राइज़ मिला था ग्रेमी का ठीक है इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज़ हैव नॉट बीन फाउंड तो उसमें चार ऑप्शन दे रखे थे तीन में हमें हड़प्पन सिटीज़ मिले हैं एक में नहीं मिला उसका नाम बताना था बर्निंग ऑफ कोल चौबीसवा क्वेश्चन बर्निंग ऑफ कोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ठीक है तो वो उसमें चार प्रोसेस के नाम दे रखे हैं वो हमें बताना था ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन द फोर मोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज ठीक है ये फिलिंदा ब्लैंक्स हैं चार ऑप्शन थे उसमें से आपको सेलेक्ट करना था करेक्ट आंसर तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम ठीक रहा होगा गुड लक आपको रिजल्ट के लिए